नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल याशिक मोबाइल ट्यूटोरियल। आज आपके लिए वीडियो लाए हैं सैमसंग M01 कोर डेड शॉर्ट सॉल्यूशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नया है या मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं मैंने बैटरी लगाया है, चार्जिंग लगाया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब मैं आपको ऑन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ऐसे में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको वो बताने वाला हूँ। अगर आपके पास भी ऐसे हैंडसेट आता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपके पास आएगा, आपको बोर्ड ऑब्जर्व करना है। बोर्ड का ही वाटर डैमेज वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वाटर डैमेज वगैरह कुछ भी नहीं है, बोर्ड बिल्कुल भी साफ़ है। ठीक है, बिल्कुल साफ़ है। ये जो शील्ड है ये मेरे पास ऐसे ही आया है, ये ओपन करके आया है, किसी शॉप से आया है मेरे पास। ठीक है, तो बोर्ड बिल्कुल साफ़ है, उन्होंने भी सिर्फ शॉर्ट शील्ड खोल के ही चेक किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो बैटरी कनेक्टर है, सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर चेक करेंगे, कहीं शॉर्ट है, लीकेज है, क्या है। ठीक है, ये ग्राउंड है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लीकेज शो कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे लीकेज है दोस्तों। ऐसे हैंडसेट में अगर बैटरी कंट्रोल में थोड़ा सा लीकेज शो करता है तो इसका मतलब इसका सेकेंडरी, मतलब 100% इसका जो सेकेंडरी है वो शॉर्ट ही होगा। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये ऑलरेडी किसी ने तोड़ा हुआ है, जिनके पास पहले गया था उन्होंने ही तोड़ा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये जो कोईल है, कोईल है इसका। ठीक है, और पी ए और बैटरी कंट्रोल इनका बीच में जो कोईल है ये वो है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो फुल शॉर्ट शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे में आपको ये उठा के चेक करना पड़ेगा, उसके लिए एक सोल्यूशन है। अब ये जो कोईल है इसको ऊपर रिमूव करना है। ठीक है, इसको रिमूव करने से क्या होता है, जो पी अगर पी ए शॉर्ट होगा, ये रिमूव करने से हमारे जो बैटरी कंट्रोल पे शॉर्ट है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो सबसे आसान तरीका ये है, हमें ये चेक करना है, ये पता करना है कि इसका पी ए शॉर्ट है या क्या है। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, हम ये जो कोईल लगा हुआ इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पे लीकेज नहीं है, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अब शॉर्टेज नहीं है। अब जो पी ए के अंदर से जो कनेक्शन आ रहा है वो शॉर्ट है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है वो पी ए ही है, पी ए ही ख़राब है, पी ए शॉर्ट है, इसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा है। ये कोईल मैंने इसलिए ओपन किया, अगर कोईल बिना ओपन करके मैं आईसी उठा देते हैं बाद में अगर शॉर्ट ना निकले तो फिर वो भी हमारे लिए डबल काम बन जाएगा। इसलिए सबसे आसान तरीका ये है, ये इधर जो कोईल लगा हुआ आपको पता करने के लिए, ये पी ए ख़राब है या क्या है, इसमें से हमें ये पता लगा इसका जो पी ए है वो ख़राब ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फुल शॉर्ट शो कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से अभी ये सेट ऑन भी होगा, मैं आपको दिखा देगा, चेक करा देता हूँ। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं। अभी हमारे जो बैटरी कंट्रोल में है वो लीकेज नहीं है, तो हम अभी ऑन करके चेक करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डिवाइस है वो ऑन हो गया हुआ है। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं पूरा ऑन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही चेक करना, सबसे पहले आपको बैटरी कंट्रोल चेक करना है। अगर बैटरी कंट्रोल में थोड़ा सा भी लीकेज शो कर रहा है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इसका जो जो पी ए है ये वाला शील्ड ओपन करना है। कहीं भी चेड़ने से पहले ये पी ए का जो शील्ड है उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद कहीं भी तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको ये जो यहाँ पर जो कोईल है वो कोईल रिमूव करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे जो कोईल था जो मैंने रिमूव किया वो रिमूव करने के बाद आपको चेक करना बैटरी कंट्रोल पे हमारी जो शॉर्टेज है वो ख़त्म हुआ या नहीं ख़त्म हुआ। ठीक है, उसके बाद ऑन करके चेक करना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डिवाइस है वो ऑन हो गया हुआ। अभी मैं एक बार चार्जिंग पे भी दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं चार्जिंग भी ओके है, चार्जिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देख सकते हैं।
मैं एक बार फिर से आपको ये जो पिया है पिया रिमूव करके चेक करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास भी आएगा आपको भी ऐसे ही करना है, जल्दी जाके पिया रिमूव नहीं करना है। आप जो पिया है वो सबसे पहले वो रिमूव नहीं करना, सबसे पहले आपको ये जो कोइल है ये कोइल रिमूव करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार इसका जो पिया है, अब तो ये पता चला इसका पिया ही ख़राब है, तो मैं पिया रिमूव करके आपको चेक करा देता हूँ। ठीक है, जब आप पिया रिमूव करके पिया जब नया डालोगे, या तो ये कोइल वापस लगाना है या ये कोइल को आपस में शॉर्ट करना है। ठीक है, नहीं तो नेटवर्क नहीं आएगा। ये कोइल या तो वापस लगाना है कोई भी कोइल उठा के, या फिर आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसे क्रॉसिंग पे इसको शॉर्ट कर देना। ठीक है, ये रिमूव कर दिया। अभी हम चेक करते हैं, अब हम चेक करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ चेक करते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, अब दूसरा तरफ देख सकते हैं जो पीए का न। ठीक है, अभी जो हमारा शॉट है वो बिल्कुल भी क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब मुझे ये जो पीए है ये चेंज करना पड़ेगा, ये मेरे पास अभी है ही नहीं है, मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास भी आएगा तो आपको यही ट्राई करना है। इसका जो आईसी का नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आईसी का नंबर है 77761 है। ठीक है, 77621 है आईसी का नंबर, और आगे इसके बार 31 भी है आगे, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, डबल सेवन सिक्स टू वन आगे बार है और 31 है। ठीक है, तो आपको यही आईसी लगाना है। ठीक है, फिर ही नेटवर्क आएगा। आईसी लगाने के बाद एक चीज़ ज़रूर याद रखें, यहाँ पे जो कोइल है ये कोइल या वापस लगाना है या आपको शॉर्ट करना है, फिर ही आपका नेटवर्क आएगा, क्योंकि ये जो आईसी को वीबैट देने वाला कोइल है, तो आपको इसको शॉर्ट करना या लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।